वेलकम टू आवर चैनल पपानू फनार। तो आज की जो वीडियो है वो क्लास टू कंप्यूटर की वर्कशीट होगी। इसमें कंप्यूटर के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए हुए हैं, तो आप एंड तक वीडियो को देखना। बच्चों को घर पे ऐसे वर्कशीट बना के दें और उनकी जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये वाली वर्कशीट बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो होप आप एंड तक जरूर देखेंगे। वीडियोज़ को लाइक और जरूर शेयर और लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राइट द फुल फॉर्म। यहाँ पर लिखी हैं जो वर्ड्स लिखे हैं इनकी फुल फॉर्म बतानी है, जैसे CPU की फुल फॉर्म। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, इनमें से दो या तीन वर्ड फुल फॉर्म के जरूर पूछे जाते हैं, तो आप ये वाले वर्ड्स बच्चों को जरूर प्रैक्टिस करवाएँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का बनेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम जो है वो एक तरह की मेमोरी होती है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद आएगा रोम। रोम है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट इज WWW इज वर्ल्ड वाइड वेब। ATM भी एक मशीन होती है जिससे हम पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है जी। नेक्स्ट इज ALU की है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट इज OS इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये फुल फॉर्म्स थी। क्वेश्चन नंबर टू है राइट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन फ्रंट ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है। ये बताना है कि ये आउटपुट डिवाइस है या फिर इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज स्पीकर, स्पीकर इज आउटपुट डिवाइस, ठीक है। देखो इनपुट डिवाइस होती है, जैसे कीबोर्ड से हम कुछ टाइप करते हैं तो मॉनिटर पर दिखता है, तो ये इनपुट हुआ। आउटपुट डिवाइस होती है, जैसे उसमें म्यूजिक चल रहा है तो आवाज़ हमें जो है वो हमें बाहर आ रही है, तो वो आउटपुट मतलब उसका रिजल्ट आ रहा है। तो प्रिंटर भी ऐसे ही है, प्रिंटर इज ऑल्सो ए आउटपुट डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट माउस जो है वो इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस। लाइट पेन इज ए इनपुट डिवाइस, जिससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इनपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर दो बारी आ गया, ये आउटपुट ही डिवाइस है। स्कैनर इज इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है फिलिंग द ब्लैंक्स लिखेंगे हम। तो ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड, ब्लिंकिंग लाइन जो होती है स्क्रीन पर उसे हम कहते हैं कर्सर। आइकन्स आर द स्मॉल पिक्चर ऑन द, आइकन्स कहाँ पर शो होते हैं? डेस्कटॉप। कीबोर्ड इज ए डैश डिवाइस, अभी हमने रीड किया था कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस। अ माउस इज यूज टू डैश आइटम्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, तो यहाँ पर माउस के साथ हम सिलेक्ट करते हैं आइटम्स को। डैश इज द की यूज टू राइट द इन कैपिटल लेटर, कौन सी की से हम कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं? कैप्स लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है मैच द फॉलोइंग्स करेंगे। सबसे पहले हमारा है स्मॉल पिक्चर्स ऑन डेस्कटॉप क्या होती हैं? आइकन्स। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज CPU। प्रिंट द डॉक्यूमेंट, प्रिंट किससे हम करते हैं? प्रिंटर से। की इज यूज टू इरेज डाटा, डाटा को इरेज करने के लिए बैक स्पेस। लॉन्गेस्ट की इज स्पेस बार। F1 टू F12 आर द फंक्शन कीज। 0 to 9 जो है वो कीज है नंबर कीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है जंबल वर्ड्स करेंगे। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जंबल, तो इनको सही करके लिखेंगे। सबसे पहले आता है आइकन्स। नेक्स्ट इज इनपुट। नेक्स्ट इज आउटपुट। नेक्स्ट इज कर्सर।
नेक्स्ट इज मॉनिटर, नेक्स्ट इज डेस्कटॉप एंड लास्ट वन इज माउस। जंबल वर्ड्स भी बच्चों को दो या तीन जरूर पूछे जाते हैं और ये बच्चों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी है, जिससे बच्चों की वोकैबुलरी है वो भी इम्प्रूव होती है। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द क्वेश्चन इन वन वर्ड, ठीक है। नेम द पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस इज माउस। नंबर ऑफ एरो कीज ऑन द कीबोर्ड कितनी होती हैं, 4। इन हॉस्पिटल कंप्यूटर आर यूज्ड, हॉस्पिटल में हम क्या क्या करते हैं, मेकिंग रिपोर्ट्स, किसकी रिपोर्ट बनती है, पेशेंट्स की रिपोर्ट्स एंड बिल्स। विच इज़ द लॉन्गेस्ट की, स्पेस बार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम स्पेस बार की। हाउ मेनी बटन्स ऑन द माउस, 2। इट लुक्स लाइक अ टाइपराइटर, कीबोर्ड, कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पर स्टेटमेंट है, आपने ट्रू और फॉल्स लिखना है। कंप्यूटर आर ओनली यूज्ड इन स्कूल्स, नो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, कंप्यूटर सभी जगह यूज होता है। टेकिंग प्रिंट आउट इन इज एन आउटपुट एक्शन, ट्रू, ठीक है। प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है तो उसका एक्शन भी आउटपुट एक्शन होगा। मॉनिटर शोज द वर्क वी डू ऑन अ कंप्यूटर, ट्रू। कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी इंस्ट्रक्शन, फॉल्स, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे तभी वो परफॉर्म करता है। द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडो इज कॉल्ड डेस्कटॉप, ट्रू। कंप्यूटर हैज़ फीलिंग्स, फॉल्स, कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द कीज एंड नेम देम। यहाँ पर कीज़ को आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम बताने हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी की है तो इसका नाम सभी बच्चों को आता है, दिस इज स्पेस बार की। नेक्स्ट ये जो 4 कीज होती हैं इन्हें कहते हैं एरो कीज, दीज आर एरो कीज। नेक्स्ट वन इस साइड, इस तरफ को एरो है तो इसे कहते हैं हम बैक स्पेस, बैक स्पेस की है, ठीक है। दिस इज द शिफ्ट की। नेक्स्ट दिस आर द फंक्शन कीज, ठीक है, फंक्शन कीज कहते हैं इन्हें, F1 से F12 तक को। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास 2 की वर्कशीट फॉर कंप्यूटर। होप बच्चों के फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम और फर्स्ट टर्म के जो यूनिट टेस्ट होते हैं उनमें ये हेल्पफुल होगी। और जो वर्कशीट है वह सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है ताकि अब बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकें और बच्चों की जो वोकैबुलरी है वो भी इम्प्रूव होती है ऐसी वर्कशीट बार बार करवाने से। तो ऐसी वीडियोज़ देखनी है आपने तो मेरे चैनल पर पानू फनार्ट पर विज़िट करें, आपको सभी वीडियोज़ जो हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी अकॉर्डिंग टू द क्लास, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो प्लीज़ चैनल पर फानू फन आर्ट पर विज़िट करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू सब्जेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।